एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट सक्सेस। हम इस वीडियो में 26 दिसंबर के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। इंडिया में जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। हर्षवर्धन अपना पदभार 29 जनवरी को ग्रहण करेंगे। ये विजय गोखले का स्थान लेंगे। इस समय हर्षवर्धन अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सतह से हवा में तेजी से मार करने वाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का कहां से सफल परीक्षण किया गया? ये किया गया है उड़ीसा तट के एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर से। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल ने कच्छ की खाड़ी में वाडिनार के समीप समुद्र में 2 दिवसीय क्षेत्रीय स्तर के प्रदूषण से निपटने के अभ्यास का आयोजन किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वच्छ समुद्र NW 2019। इस अभ्यास का आयोजन तरल पदार्थों से होने वाले प्रदूषण की घटनाओं को नियंत्रित करने की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए किया गया। भारतीय कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके आदर्श वाक्य है वयम रक्ष अहम, यानी कि वी प्रोटेक्ट। हाल ही में जारी हुए एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में लेख प्रकाशक करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन के उभरा? ये देश है भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन शीर्ष पर है और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कहां पर ऑक्सीजन पार्लर खोला गया? ये स्थान है नासिक रेलवे स्टेशन। शहरों में बढ़ती हुई वायु प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए ये एक अनूठा पहल किया गया है। इस पहल का शुरुआत भारतीय रेलवे के सहयोग से एरोगार्ड ने यात्रियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का एहसास दिलाने के लिए किया है। इस ऑक्सीजन पार्लर का मॉडल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा की सिफारिश पर आधारित है। इसने जयपुर के मालवीय नगर में राज्य के पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस क्लिनिक की शुरुआत गरीबों के लिए मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा के लिए की गई है, जहाँ उन्हें मुफ्त दवाइयाँ तथा मुफ्त चिकित्सा जाँच की सुविधाएँ दी जाएगी। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, राजधानी है जयपुर, राज्यपाल है कलराज मिश्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया? ये स्थान है हैदराबाद। इस ऐप को तेलंगाना सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा विकसित किया गया। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। किसने वर्ष 2019-20 के भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के अध्यक्ष का पदभार संभाला? ये है संगीता रेड्डी। ये अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं। संगीता रेड्डी संदीप सोमानी का स्थान लेंगी। फिक्की का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय शंकर को बनाया गया है। ये स्टार एवं डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिक्की का उपाध्यक्ष संजीव मेहता को बनाया गया है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। विदुषी सविता देवी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये हमारी जानी मानी शास्त्रीय गायिका थी। विदुषी सविता देवी अपनी ठुमरी कला के लिए जानी जाती थी। पुस्तक लिखी है जिनका नाम है माँ सिद्धेश्वरी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी ने अनंतपुर जिले के धर्मावरम में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? ये योजना है YSR नेत्थाना नेस्थम। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार पूरे राज्य के बुनकरों को सालाना 24,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वाभूषण हरिचंदन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इन्होंने किया है गुजरात सरकार के साथ हस्ताक्षर। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात। इसके MD और CEO हैं PS जयकुमार। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। इसके CM है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।